Press the bell icon and never miss another update from the frustrated Indian. दो दिन पहले अलवर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, मीडिया ने जमकर टीआरपी बटोरी। योगी आदित्यनाथ इज नाउ सेइंग दैट हनुमान इज दलित आदिवासी। अब देखिए कैसे बजरंगबली हनुमान पर दिया गया एक बयान योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ गया। राजस्थान में कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली की जाति भी बता डाली। पर एक महंत होते हुए भी योगी जी ने आखिर ऐसा कहा क्यों, ये जानने के लिए हमें दलित शब्द के इतिहास और स्वयं हनुमान जी के जीवन को समझना होगा। दलित एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है टूटा या बिखरा हुआ। 1935 से पहले इस शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष को संबोधित करने के लिए नहीं किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार दलित शब्द को सभी डिप्रेस क्लास के लिए इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला। अब जरा हनुमान जी के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु मानव अवतार लेते हैं, सभी देवी देवता उनके सहायतार्थ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। पवन पुत्र हनुमान का जन्म विष्णु जी के सातवें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता के लिए ही हुआ था। परंतु हनुमान जी की अपनी भी एक जीवन गाथा है। हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। केसरी जी वानरों के अधिपति बाली के खास मित्रों में से एक थे और साथ ही वे बाली के छोटे भाई सुग्रीव जी के भी परम मित्र थे। आगे चलकर सुग्रीव और बाली में भयंकर शत्रुता हो गई और सुग्रीव को किष्किंधा छोड़कर एक वन में शरण लेना पड़ा। केसरी जी, हनुमान जी, ऋक्षराज, जामवान इत्यादि प्रमुख वानर युद्धपतियों ने सुग्रीव का साथ दिया और वे भी उनके साथ वन चले आए। हनुमान जी वानर राज केसरी के पुत्र होते हुए भी वनवासी और निर्वासित का जीवन व्यतीत करने लगे। हनुमान जी राजोपभोग के उत्तराधिकारी होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं से वंचित रहने को मजबूर हो गए। पर वंचित, वनवासी और निर्वासित होने के साथ साथ क्या हनुमान जी दलित भी थे? कदापि नहीं। अगर यहाँ दलित शब्द का तात्पर्य उसके राजनैतिक परिभाषा से है, परंतु अगर हम यहाँ इस शब्द के ऐतिहासिक परिभाषा को ध्यान में रखते हैं तो ये पाते हैं कि ये गलत नहीं है। वानर साम्राज्य सुग्रीव और बाली की शत्रुता के कारण टूटा और बिखरा हुआ था। वानर युद्धपति सुग्रीव और बाली के खेमों में बट गए थे और उनका एकीकरण तभी हो पाया जब श्री राम ने बाली का वध किया। योगी जी की गलती ये थी कि उन्होंने एक राजनैतिक रैली में एक महंत जैसा भाषण दे दिया और मीडिया को साथ में मौका भी दे दिया। वही मीडिया ने योगी आदित्यनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। उन्होंने दलित शब्द के राजनैतिक परिभाषा को योगी के कथन से जोड़कर उसे एक नया ही एंगल दे दिया, या शायद इसे मीडिया की मूर्खता और अज्ञान भी कह सकते हैं। संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास समझने के लिए दिमाग और श्रद्धा दोनों चाहिए, जिसका भारतीय मीडिया में सर्वथा अभाव है।